नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं लेके आई आपके लिए ये बेबी सॉक्स, बेबी बूट्स। ये मैंने बूट्स बनाए बेबी के लिए। ये 0 से लेके ये 1.5 साल तक का बच्चा आराम से इसे पहन सकता है। तो यहाँ से शुरू होता है, ये यहाँ से हम नीचे से डालेंगे, 32 फंदे डाल लेंगे। 32 फंदे डाल के यहाँ से बुनना स्टार्ट करेंगे और इस तरह से यहाँ से बढ़ाते हुए यहाँ से घटाएँगे। तो आइए हम दूसरा इसे बनाना, मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने ये इस पर ये डोरी डाली है, इस तरह से यहाँ से जाली पड़ जाती है डोरी के लिए। चलिए दूसरा वाला बनाना शुरू करते हैं। मैंने देखिए 32 फंदे डाल दिए। इस तरह से डालें ताकि ये थोड़ा ढीले रहे, नीचे से कसावन नहीं तो ये नीचे से कस के आ जाते हैं फंदे। जब यहाँ से नीचे सिलना होता है हमें तो थोड़ा सही रहे। एक सिलाई मैंने निकाल दी है, अभी हम मैं 9 नंबर की सिलाई से बुनूंगी। ये 9 नंबर से बनेंगे। पहली सिलाई में उल्टी निकाल लेती हूँ पूरी, इस तरह से पूरी उल्टी निकाल देती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने उल्टी सिलाई निकाल दी है, इस तरह से ही नीचे से खींचा खींचा नहीं आएगा। फिर डबल जो है सिलाई पर डाल के फंदे, अब पहला फंदा हम बिना बुना ले लेंगे। चाहे आप बुन लीजिए धागा ऊपर, एक फंदा उल्टा, और फिर हम जाली देंगे यहाँ पे इस तरह से उल्ट, क्योंकि हम उल्टा बुन रहे हैं तो इस तरह से ऐसे जाली दे देंगे ऐसे घुमा के, और फिर ये फंदा उल्टा बुन लेंगे। फिर हम 13 फंदे बुनेंगे उल्टे उल्टे, 13 बुन लेंगे। 13 बुन लेती हूँ मैं, 13 फंदे बुन के देखिए। फिर हमने जाली निकालनी, फिर उसी तरह से घुमा के ऊपर वो करेंगे हम धागा ऐसे एक फंदा, क्योंकि हमारा बढ़ जाएगा जाली से, और हमारा ये जाली पड़ जाएगी, फंदा बढ़ जाएगा। फिर 2 फंदे हम बीच में बुनेंगे, 14 और 15वां फंदा बीच में बुना, फिर नीचे हम लेंगे इस तरह से, फिर एक और जाली डालनी बीच में, फिर से हम 13 फंदे बुन लेंगे अपने। देखिए 11, 12 और ये 13, ये 2 फंदे से पहले हम यहाँ भी हम जाली डालेंगे किनारे में धागा ऊपर इस तरह से। लास्ट का फंदा हम सीधा बुन लेंगे, क्योंकि हमने ये किनारे चेंज देनी है। चाहे आप उल्टा बुन लीजिए, अब उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी निकालेंगे इस तरह से, ऐसे उल्टी। ये जाली वाला फंदा है, इसको भी उल्टा बुनेंगे हम ऐसे, अब पूरी सिलाई उल्टी बुन देंगे। जाली वाला फंदा भी हम उल्टा बुनेंगे। मैं निकाल देती हूँ सिलाई, देखिए दिखा देती हूँ आपको। जाली वाला फंदा भी ये उल्टा बुनना है, ऐसे दिख रहा होगा ना ये इस तरह से, क्योंकि उल्टे में हमने जाली निकाली है तो हमें इस तरह से फंदा दिखाई देता है। तो इसको आप इस तरह से बुन लीजिए, जाली आ जाएगी आराम से सीधी सिलाई से। देखिए उल्टी सिलाई हमारी पूरी हो गई, फिर सीधी सिलाई पे आ गए हम। पहला फंदा बिना बुने निकाल दिया, दूसरा बुन लिया, फिर यहीं पर जाली डालेंगे हम। दूसरी बार जाली पड़ रही है, एक ये बढ़िया फंदा, और फिर ये उल्टा बुन लेंगे। फिर से हम 13 फंदे, सॉरी एक तो हमारा बड़ा हुआ फंदा है उसको बुन लेंगे, अब बाकी 13 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे इस तरह से। 13 फंदे उल्टे बुन के अभी जाली है जहाँ पे शुरू हुई है यहीं से हमने जाली डालनी है इसके ऊपर से इस तरह से। और फिर ये हमारा जाली वाला फंदा था पिछली बार वाला, ये बना लेंगे। ये बीच का फंदा था, बीच के फंदे 2 थे हमारे, तो 2 बना लेंगे। चाहे आप बीच में 1 रखिए, पर इसमें 2 का हिसाब है, 2 का, तो इस तरह से मैंने 2 ही छोड़े हैं इसमें इस तरह से। और लास्ट इसके यहाँ पे जाली पड़ेगी। अब 13 फंदे बुन लेंगे हम उल्टे, अभी लास्ट में जाली पड़ेगी एक दफ़े, 2 फंदे से पहले जाली पड़ेगी। फिर ये देखिए जाली वाला फंदा आ गया है, इसको बुन लेंगे, और फिर यहाँ पर जाली डालेंगे हम इस तरह से। आपको पता ना लगे तो आप कोई निशान लगा दे सकते हैं यहाँ पर मार्कर, जैसे कि पिन वगैरह लगा दीजिए या ऊनी लगा दीजिए अलग कलर की, या इस तरह से तो पहचान बन जाएगी। वैसे मुझे तो दिखाई दे रहा है स्पष्ट, अपना इतना अंदाज़ा हो जा रहा है, पर जो है फिर भी कुछ भी लगा सकती है हम मार्कर। उल्टी सिलाई फिर हम उल्टी बुन लेंगे, जाली वाला फंदा भी उल्टा, पूरा उल्टा बुन लेंगे। ये उल्टी सिलाई होगी मेरी पूरी, सीधी सिलाई
इसी तरह से हम बनाते जाएंगे जब तक हमारे 48 फंदे ना हो जाए। 48 फंदे कर लेने हमने। इस तरह से दिखेगी जालियाँ, ये यहाँ पर इस तरह से मैं आपको ये मैंने बना रखा है। देखिए इस तरह से ये 48 फंदे हो गए हमारे यहाँ पे। 48 फंदे के बाद हमने घटाना बंद कर दिया और फिर यहाँ से ये वाइट धागा लगा दिया मैंने। दो कलर, दो सिलाई वाइट की बनाई है, दो सिलाई फिर ये पिंक कलर की, दो वाइट की। इस ये यहाँ से यहाँ तक मैंने 8 सिलाइयाँ बनानी है, 7 मेरी होगी। एक और सिलाई निकालूंगी मैं, एक और सिलाई उल्टी सिलाई आएगी मेरी। 8 सिलाई पूरी हो जाएंगी, उसके बाद फिर मैं यहाँ से घटाई शुरू करूँगी। तो मैं एक उल्टी सिलाई निकाल के आपको फिर दिखाती हूँ, सॉरी सीधी सिलाई, मैं सीधी सिलाई बना रही हूँ इसकी। अब फिर हम ये वाइट से घटाना शुरू करेंगे। घटाई में घटाई किस तरह होती है इस तरह आपको दिखाऊंगी। सीधी सिलाई निकाल देती हूँ मैं। देखिए हम यहाँ से घटाई शुरू करेंगे बीच में, तो किस तरह से घटाने। देखिए पहला फंदा बिना बुन ले लिया हम, 22 फंदे पहले बुन लेंगे इसके, सीधा सीधा बुन लेंगे 22 फंदे। देखिए 22 फंदे हमारे बन गए हैं इधर से। तो हमने बीच के जो 4 फंदे घटाने हैं, किस तरह से घटाएंगे। ये पहला फंदा ये मैं इस तरीके से कर दूँगी, चाहे आप दोनों फंदे इस तरह से ऐसे पलटा भी सकते हैं ऐसे करके घुमा के। तो मैं इसी तरह से करूँगी, ये पहला फंदा घुमा देंगे और यहाँ से मैं इस तरह से 2 का 1 कर दूँगी, ऐसे नीचे से लेके ये 2 का 1 कर दिया। और ये वाले फंदे भी फिर ये 2 का 1 इस तरह से करेंगे, इनका इस तरह इनको घुमाना नहीं, बस इस तरह से कर दीजिए आप, शेप आ जाएगी आराम से इस तरह से। अब बाकी फंदे अभी 22, इस तरह भी हमारे 22 बच के, इनको भी हम सीधा सीधा बना लेंगे। अब बस उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बनानी है, जो फंदे हमने घटाए हैं बीच के उनको भी उल्टा बना लें। उल्टी सिलाई हमारी बन गई है। अब सीधी सिलाई देखिए, सीधी सिलाई में हम इस बार 21 फंदे बनाएंगे, 21 फंदे बनाएंगे। पहले 22 बनाए थे हमने, अब 21 फंदे बनाएंगे। देखिए 21 फंदे बन गए मेरे 21 फंदे, और 21 फंदे के बाद ये 22 फंदा है, जो 22 वाला फंदा इस तरह से घुमा देना। और ये बीच के फंदे, ये 2 बीच के हमारे हमें से जाएंगे, ये वाले जो हमने ये बीच के हैं दोनों, इनको जो है इनके साथ इस तरह से घटाना है। ये वाला फंदा बीच वाले फंदे के साथ ऐसे करेंगे, अभी नीचे से लेंगे 2 का 1 कर देंगे। सही से नहीं हुआ, इस तरह से 2 का 1 हो गया। और इनको नहीं पलटाना है, इनको इसी तरह से या पीछे से इस तरह से सिलाई देनी है, ऊपर से देनी है पीछे से ऐसे, 2 का 1 हो गया, इस तरह से आ जाएगा। फिर सारे फंदे हमारे 21 फंदे फिर बुन लेंगे, और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे। देखिए अब 20 फंदे बनाए हैं हमने, और फिर से हम यहाँ से इस तरह घुमाएंगे इसे 2 का 1 करेंगे, फिर इनको 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। ये तब तक घटाएंगे हम जब तक हमारे ये ऊपर 15 फंदे ना रह जाए। तो मैं आपको 15 फंदे तक बना के दिखाती हूँ, और सॉरी 30 फंदे ना रह जाए, 15 इधर 15 इधर, 30 फंदे रखने हमने। देखिए हमारे 15 फंदे बच गए हैं। अब यहाँ से यहाँ तक हमने घटा दिए, इस तरह से शेप आ जाएगी इसकी इस तरह से। अब मैं ये वाला धागा लगाऊँगी इस पर, जैसे ये बनाना है इसका बॉर्डर। तो पहले हम जाली निकालेंगे, इसको जोड़ के पहला फंदा बुन लिया, धागा ऊपर करेंगे हम और 2 का 1 करेंगे इस तरह से। ये 2 का 1 जाली बनती जाएगी हमारी, फंदा ही बढ़ेगा और फंदा भी घटेगा। 2 का 1 हो गया, धागा ऊपर फिर 2 का 1, हमारे उतने के उतने फंदे रहेंगे। फंदे घटाएंगे भी, जाली बनेगी भी, और फंदे हमारे बढ़ जाएंगे, उतने के उतने फंदे रहेंगे इस तरह से। 2 का 1 2 का 1 करते जाएंगे हम पूरे में, धागा ऊपर 2 का 1। देखिए हमने सारे फंदे, ये लास्ट का फंदा ये ऐसे ही बुन लेंगे, जाली डाल दी सब फंदों में। अब उल्टी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे, ये इस तरह से जाली वाला फंदा उल्टा, ये भी उल्टा, सारी सिलाई हम ये उल्टी उल्टी बना लेंगे। अब हम इसके बाद 10 सिलाइयाँ ऐसी उल्टी उल्टी बना लेंगे, उल्टी सिलाई भी उल्टी और सीधी सिलाई भी उल्टी, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक हमारी 10 सिलाइयाँ हैं। ये इस तरह से मैं उल्टी उल्टी बना लेती हूँ। देखिए 5 लाइनें हो गई हैं मेरी, 1 2 3 4 5, ये 10 लाइन, यानी कि 10 सिलाइयाँ मेरी पूरी हो गई हैं।
अब इन्हें बंद कर देंगे फंदों को इस तरह से, ऐसे एक बार फिर ऊपर करके करेंगे, धागा ऊपर करा और इसको ऐसे ऊपर घुमा के करेंगे, एक बार धागा नीचे करेंगे इस तरह से, ऐसे फिर एक बार धागा ऊपर करेंगे इस तरह से, इसको ऊपर को मोड़ के करेंगे एक बार नीचे, तो इसको नीचे को ही ऐसे मोड़ेंगे, तो हमारी इस तरह से फिर ये सीधी आएगी लाइन, ये लाइन हमारी है इस तरह से कुछ सीधी आएगी। इसी तरह से मैं पूरा बंद कर देती हूँ, पूरे फंदे मेरे बंद हो गए। अब मैं से यहाँ से धागा कर दूँगी, चाहे तो आप धागा थोड़ा सा छोड़ सकते हैं सिलाई के लिए, पर मेरे पास सुई में पहले से ऊन पड़ी है, तो मैं इसे कट कर दूँगी यहाँ से। अब उल्टा करेंगे हम इसे, सिल देंगे यहाँ से, यहाँ तक हम पिंक कलर से सिलेंगे, फिर मैंने ये वाइट छोड़ दिया यहाँ से, ये यहाँ तक वाइट से सिलूँगी, फिर यहाँ से इसे पिंक से ही सिल देंगे। इस धागे को भी इसके अंदर दबा देंगे सिलते हुए, इस तरह से सिल देंगे हम इसे। देखिए मैंने पूरा सिल दिया यहाँ तक, अब मैं इसे उल्टा करूँगी इस तरह से, बन गए हमारे। हाँ बॉर्डर में ये 10 नंबर की सिलाई लगाई है, 10 नंबर की सिलाई से बनाया है ये, यहाँ पे थोड़ा मैं भूल गई थी, 9 नंबर से उठाया मैंने तो चौड़ा थोड़ा सा ये खुली खुली हो गई, ये 10 से ही बनाई मैंने यहाँ से स्टार्टिंग से, यहाँ से बॉर्डर से। देखिए मैंने ये चेन बनाई है क्रोसे से, इसकी ये लंबी, और ये फ्लावर बनाया है, तो इसको मैं इसमें डाल लूँगी इस तरह से, इसमें डालेंगे जिस तरह से भी आप डालो, पिन से डाल लो चाहे, मैं डाल देती हूँ पहले। देखिए डाल दिया मैंने पूरा, ये इस पर हम ये लगा देंगे इसका डिजाइन, एक बना रखा है, एक मैंने पूरा बनाया गोल, एक ऐसे तिरछा सा बना दिया, तो इसको मैं इस पर लगा दूँगी, इसको इस तरह से यहाँ पे सिल देंगे हम इनको नीचे दबाते हुए। अब बाकी के फिर मैं कट कर दूँगी ज़्यादा। देखिए बन गए इस तरह से, देखिए मेरी दोनों सॉक्स बन गए हैं। आपको ये मेरी सॉक्स का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।